हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है करंट अफेयर में कुछ पार्ट करेंगे जो छत्तीसगढ़ के करंट से संबंधित है। जो वर्तमान में जितनी भी नियुक्तियां हुई है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब हम रेगुलर जो है पेपर तक कुछ ना कुछ करंट के पार्ट सीजी और इंडिया लेवल में करेंगे, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा, ताकि पेपर में जो करेंट के क्वेश्चन आए तो उसमें थोड़ा बहुत हम उसमें कवर कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के पार्ट को कवर कर रहे हैं करेंट अफेयर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव की भी नियुक्ति हुई है। देखिए, अभी जितनी भी नियुक्ति हुई है, क्योंकि पीएससी जो है लगभग 1 साल का पूरा करंट अफेयर पूछता है। जैसे कि हमारा पेपर 17 फरवरी का है, तो आपको लगभग 17 जनवरी तक के करंट अफेयर को पूछेगा। यानी 17 जनवरी 2018 से 17 जनवरी 2019 तक के करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एकदम करंट के पार्ट है, इससे जो है आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अभी कल ही व्यापम का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो अभी चुनाव हुए थे उससे भी आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट देखते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है, जो कि 10वें नंबर के मुख्य सचिव आपको याद रखना है, जिनका नाम है सुनील कुजूर। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के मुख्य सचिव है? 10वें नंबर के। इसके पहले जो 9 मुख्य सचिव रहे हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं उनके क्रम के हिसाब से, यानी उनको आपको क्रम से लगाने के लिए भी बोला जा सकता है। तो आपको क्रम भी याद होना चाहिए कि कौन कौन इसके पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो सबसे पहले मुख्य सचिव थे अरुण कुमार, सेकंड में रहे हैं सुयोग्य मिश्र, थर्ड में रहे हैं ए.के. विजयवर्गीय, फोर्थ में रहे हैं आर.पी. बगई, फिफ्थ में रहे हैं शिवराज सिंह, सिक्स्थ है पी. उम्मेन, सेवंथ है सुनील कुमार, एट्थ रहे हैं विवेक ढांड, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव का रिकॉर्ड बनाए थे, नाइन्थ नंबर में रहे हैं अजय सिंह, और 10वें नंबर के भी बनाए गए हैं सुनील कुजूर। और ये जो है पहले आदिवासी मुख्य सचिव है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आदिवासी मुख्य सचिव कौन रहे, तो वो सुनील कुजूर हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से नंबर के हैं, 10th नंबर के हैं। ठीक है, 9 इसके पहले रह चुके हैं, तो उसका भी क्रम जमाने बोल सकता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अभी नए पुलिस महानिदेशक की भी नियुक्ति की गई है। तो अभी जो पुलिस महानिदेशक बनाए गए वो है DM अवस्थी। तो DM अवस्थी भी जो है ये 10वें नंबर के जो है पुलिस महानिदेशक हैं। इसके पहले कौन कौन रह चुके हैं? इसके पहले सबसे पहले जो हमारे पुलिस महानिदेशक थे वो थे मोहन शुक्ल, सेकंड नंबर में थे RLS यादव, थर्ड नंबर में थे VK दास, फोर्थ में रहे थे अशोक दरबारी, फिफ्थ में रहे हैं OP राठौर, सिक्स्थ नंबर के थे विश्व रंजन, सेवंथ नंबर के थे अनिल नवानी, एट्थ नंबर के थे श्री राम निवास, और नाइन्थ नंबर के थे AN उपाध्याय। और AN उपाध्याय के बाद बनाए गए DM अवस्थी। तो ये कौन से नंबर के हैं? ये भी 10वें नंबर के हैं। इनका भी क्रम आपको याद होना चाहिए, पेपर में जमाने पूछता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो अभी विधानसभा का गठन हुआ था, 5th नंबर की विधानसभा, उसमें प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था राम पुकार सिंह, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे ज्यादा बार विधानसभा में चुनकर आए हुए ये सदस्य हैं। तो राम पुकार सिंह, जो कि पत्थलगांव से विधायक है, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो सभी लोगों को जो विधानसभा में आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, यानी विधायकों को शपथ दिलाने का इनका काम होता है। अगला देखते हैं, जो 5वीं विधानसभा आई है उसके वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया, यानी स्पीकर? तो ये स्पीकर बनाया गया है चरण दास महंत जी को, जो कि शक्ति विधानसभा सीट से जीत के आए हैं, वहां के विधायक हैं। तो 5th विधानसभा के अध्यक्ष है चरण दास महंत जी। इसके पहले जो यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। पहले अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, यानी पहली विधानसभा के अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। सेकंड के रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे, थर्ड नंबर के रहे हैं धर्मलाल कौशिक, फोर्थ विधानसभा के रहे हैं गौरी शंकर अग्रवाल, और 5th विधानसभा के हैं चरण दास महंत। तो इसका भी क्रम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन कौन है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक, गौरी शंकर अग्रवाल, और 5th विधानसभा के चरण दास महंत, जो कि शक्ति विधानसभा से जीत के आए हैं। अगला देखते हैं, 5th विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया गया है? तो 5th विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है धर्मलाल कौशिक जी को। ठीक है, जो पार्टी जीत के आती है उसका जो रहता है सदन का वो नेता होता है, और जो विपक्ष की पार्टी होती है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष बोला जाता है। तो बीजेपी अभी क्योंकि 2nd नंबर की पार्टी है,
तो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अपनी पार्टी से धर्मलाल कौशिक जी को चुना है। ठीक है, तो धर्मलाल कौशिक फिफ्थ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके पहले पहली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे थे नंद कुमार साय, सेकंड विधानसभा के रहे थे महेंद्र कर्मा, थर्ड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे रविंद्र चौबे, फोर्थ विधानसभा के थे टीएस सिंहदेव और अभी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक। तो एक क्वेश्चन अभी आपसे ये भी बन सकता है पेपर में कि अभी तक मतलब विधानसभा में ऐसा कौन सा पद है जिसकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, इसके पहले कौन कौन थे ये आप देख लीजिएगा अभी, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है। ठीक है, अगला देखते हैं जो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई गई या जो विधायकों को शपथ ग्रहण का समारोह होता है तो कौन कितने विधायकों ने कौन से मतलब लैंग्वेज में अपनी शपथ ली है। ठीक है, तो शपथ ग्रहण जो हिंदी में शपथ लिए हैं वो है टोटल 59। हमारे यहाँ 90 विधायक हैं जिसमें से 59 जो है वो हिंदी में शपथ लिए हैं। छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने वाले विधायक की संख्या है 29। जो इंपॉर्टेंट है वो है अंग्रेजी में शपथ लेने वाले विधायक की संख्या एक, वो कौन है? अंबिका सिंहदेव, जो कि बैकुंठपुर से विधायक हैं। तो याद रखिएगा अंग्रेजी में एक ही ने शपथ लिया, वो है अंबिका सिंहदेव जो कि बैकुंठपुर से विधायक हैं। संस्कृत में भी एक ही व्यक्ति ने शपथ ली है, वो है चिंतामणि महाराज जो कि सामरी क्षेत्र से विधायक हैं। तो आपको ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी और संस्कृत में किसने कितने शपथ ली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ी में कितने विधायकों ने शपथ ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक पिछले पहले भी आता था क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायक कौन है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला देखते हैं जो डाक मतदान जो इस बार हुआ है, डाक मतदान कौन से कलर का मतपत्र था? वो था गुलाबी रंग का। तो डाक मतदान क्या होता है, जैसे कि जो जिन जिन व्यक्तियों की जो ड्यूटी लगाई जाती है चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव जब होते हैं मतदान, उनमें जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो डाक मतपत्र के द्वारा अपना वोट देते हैं। तो वो जो डाक मतपत्र होता है, जो जब आप देखे भी सुने सुने भी होंगे और जानते भी होंगे, जब सबसे पहले आपकी वोटों की गिनती चालू होती है तो सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाती है। तो वही डाक मतपत्र जो है वो गुलाबी रंग का था इस बार, ये आपके लिए पूछ सकते हैं पेपर में। अगला देखते हैं, अभी जो है झीरम घाटी की एसआईटी जांच प्रभारी किसको बनाया गया है, यानी जो झीरम घाटी घटना हुई थी उसमें एसआईटी जांच के लिए अभी बनाया गया है। तो ये टोटल 10 सदस्यीय एक दल बनाया गया जो कि झीरम घाटी घटना की जांच करेगा, जिसके प्रभारी श्री विवेकानंद जी को बनाया गया है जो कि आईजी बस्तर है। टोटल 10 सदस्यीय है जिसमें एक आईजी बस्तर है और जो है 9 सदस्य और हैं। तो टोटल 10 सदस्यीय जो है ये समिति बनाई गई है, झीरम घाटी एसआईटी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसके प्रभारी श्री विवेकानंद सिन्हा है जो कि आईजी बस्तर है, तो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, जिसको कि नान घोटाला भी कहा जाता है, तो इसमें भी एसआईटी जांच अभी बैठाई गई है। तो इसके प्रभारी किसको बनाया गया? श्री एसआरपी कल्लूरी जी को बनाया गया है। टोटल ये 12 सदस्यीय टीम है जिसमें से जो प्रभारी है वो श्री एसआरपी कल्लूरी जी है। तो इनको गिन के टोटल 12 सदस्यीय टीम है जो कि नान घोटाले की जांच करेगी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अभी छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति की गई है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता है वो है श्री कनक तिवारी। ठीक है, तो महाधिवक्ता से संबंधित जितने भी प्रावधान आपको संविधान में याद होने चाहिए, आर्टिकल याद होना चाहिए, आपसे पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री के भी सलाहकारों की भी नियुक्ति की गई है। तो कौन कौन सलाहकार बनाए गए? मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो बनाए गए विनोद वर्मा जी को। मुख्यमंत्री के जो योजना कृषि व नीति के सलाहकार बनाए गए हैं वो है प्रदीप शर्मा जी को। संसदीय सलाहकार बनाया गया वो है राजेश तिवारी जी को। और मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं रुचिर गर्ग जी को। ठीक है, राजनीतिक के विनोद वर्मा, योजना कृषि व नीति के प्रदीप शर्मा, संसदीय सलाहकार है राजेश तिवारी, मीडिया के सलाहकार है रुचिर गर्ग। ठीक है, तो ये जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था नियुक्तियों से संबंधित उसको हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आने वाले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के और करंट के कुछ पार्ट देखेंगे जो एक साल में रहे हैं, तो उसको भी हम रीजन कर लेंगे ताकि पेपर में कुछ क्वेश्चन इससे भी बन जाए आपसे। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।